मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे, जहां उकवा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए शुक्रवार को डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस माता बहनों की इज्जत नहीं करते, बल्कि उन्हें भोग विलास की वस्तु मानते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को कभी सम्मान नहीं दिया। मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के 29 लोकसभा में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पर महिला प्रत्याशी दिया है, जबकि बीजेपी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी बनाया है। यही बीजेपी की और कांग्रेस की संस्कृति में अंतर है। बीजेपी महिलाओं को पूजती है और उनके सम्मान का ध्यान रखती है, पर कांग्रेस में यह सब नहीं है। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी 13 महीनों की सरकार थी, तब उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और मुंबई से एक बड़ी हीरोइन को बुलाया और आईफा अवार्ड कराया। हमारे यहाँ तो नवरात्रि का आनंद मनता है, भगवा लहरा रहा है। साल में 2 बार नवरात्रि आती है और शक्ति की पूजा की जाती है। जड़ अंदर नहीं जाएगी, वो पौधा कभी नहीं पनप सकता। हमारी जड़ें सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म से दुश्मनी कांग्रेस की कैसी है? वोट मांगने के लिए इकट्ठे हो गए बहुत सारे, और इकट्ठे होने वाले सब लोग क्या कह रहे, उनके नेता क्या कह रहे, वोट के लिए मोदी को हटाने के लिए इकट्ठा हो। मोदी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जो मोदी भगवान राम की जय जयकार कराते, बोलो जय जय सियाराम, भगवान कृष्ण की जय जयकार करते, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो भगवान के आधार पर सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, लेकिन कुर्सी के कारण उनको नकारने का काम करते, और इनके साथ वाले आप बताओ, 4 जने मिलकर के कोई झगड़ा हो जाए तो पुलिस, कोई घटना हो जाए उनसे तो 4 में से 1 को पकड़ेगी, बाकी को छोड़ेगी क्या? चारों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब इनका दल मिला 11 दल 12 दल 18 दल, और एक दल कह रहे कि सनातन धर्म को खत्म करेंगे, तो सब अपराधी हुए कि नहीं हुए? ये कहते नहीं, वो तो उसने बोला उसने बोला, वाह, और मोदी घटाओ तो नहीं खट्टे, और साथ वाला हमको गाली बकरा, ये हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। जो आपकी भाषा है, कांग्रेस ने आज तक सनातन धर्म पे गाली बकने वाले से माफी मांगने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इस समाज की चिंता उनको नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं।